subscribe and press the bell icon for latest update. सरफराज आलम ने राबड़ी देवी से मिलने के बाद अचानक राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी की मौजूदगी में राजद की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद सरफराज आलम ने बताया कि किस तरह उन्होंने राजद का हाथ थमा है और वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस विषय पर भी क्या बोला उन्होंने सुनिए। आज भी लोगों के कहने पर रिजाइन दिया अररिया से चुनाव लड़ेंगे आप, ये भी बता रहे हैं कि और विधायक लोग अररिया से चुनाव लड़ेंगे। देखिए वो पार्टी डिसीजन करेगी, अगर लड़ावेगी तो लड़ूंगा, नहीं लड़ावेगी नहीं लड़ूंगा। यही कहा जा रहा है कि आप आपने जेडीयू इसलिए छोड़ा कि आप अररिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं आरजेडी की तरफ से? ऐसा कोई बात नहीं, आपने 4 तारीख से तस्लीम साहब के जन्मदिन की आप वीडियो निकाल के देखिए जनता की क्या आवाज, आपको पता चल जाए आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी जाने, पार्टी जाने। तो सुना आपने कि किस तरह सरफराज आलम ने अपने चुनाव लड़ने की आशंका को भी दूर किया, वहीं सुनिए क्या कहा इसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजद शिवानंद तिवारी ने। अमन चैन चाहते हैं और जो अरे वो गठबंधन था उस पर लोगों को संदेह था कि वो अमन चैन वहां कायम रख पाएगी कि नहीं, उसका एक प्रेशर पड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सरफराज जी ने बताई वो ये कि इनके अतिरिक्त और भी मैंने विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड में जो जिनके अंदर बेचैनी है, जनता दल यूनाइटेड ने जो स्टैंड लिया है और आज जो पूरे देश का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के जरिए बनाया जा रहा है उसको लेकर के लोगों में बेचैनी है। कितनी जनता दल यूनाइटेड का भी हम मानते हैं कि एक समय जो है वो सिकुलर धारा के साथ रहा है, इसके पहले जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उनका एजेंडा चलता था, अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है चलने लगा है, देश में भी और प्रदेश में भी उसकी शुरुआत हो गई है। तो इस परिस्थिति से लोगों में बेचैनी है और आगे चलकर मैंने और भी विधायक आ सकते हैं और हम एनडीए में देख रहे हैं कि आज माझी जी का बयान दे रहे हैं। सरफराज आलम ने साफ कहा कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा यह पार्टी फैसला करेगी, जदयू जब तक सेक्युलर था तब तक मैं वहां था। उन्होंने कहा कि जदयू के और सारे विधायक हैं जो बेचैन हैं पूरे देश की स्थिति देखकर, आगे चलकर और भी विधायक राजद में आ सकते हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।